Good Choice Studio and Islamic Network. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wa ala alika wa sahbika ya Habiballah. السلام والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اب آنکھوں میں کچھ پانی آیا جی نمی آئی کچھ محسوس ہوتا ہے پانی وغیرہ ہر دو گھنٹے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آنکھوں میں جو پانی آیا نا ये आंखों को रगड़ से फ्रैक्शन से बचाएगा इंशाअल्लाह आपकी आंखें 80 90 100 साल की उम्र में भी दूर से कावा देख लेंगी कुरान को कैसे पढ़ने के आने के बगैर ये आंखों की वर्जिश भी है एक्सरसाइज भी है और आंखों को हेल्दी रखने का तरीका भी है मैं आपको साथ साथ मेडिकल टीम से अगर इजाजत दे तो देता रहूँ साथ साथ ठीक है पहले मैंने क्या दिया जब आप ड्राइविंग करें ड्राइविंग कर रहे हैं दो घंटे बाद गाड़ी खड़ी करें आंखें बंद करें लंबे लंबे सांस लें दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा बिल्कुल आप रिफ्रेश हो जाएंगे कंप्यूटर का काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं हर दो घंटे बाद आपने दो चार छः मिनट की ब्रेक ले लेंगे आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने हैं अगर थोड़ा चल लेंगे तो ये जहाँ बैठने से इंसान का खून बाजों का क्लॉट हो जाता है फुटकियाँ बन जाती हैं फुटकियाँ जब इस समय नालियों में ट्रेवल करती हैं अगर वो दिल के बाल में फंस गए या फेफड़े में फंस गए तो बंदे की डेथ हो जाती है तो इसलिए हर दो घंटे बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत चल लें ताकि जिस्म में खून क्लॉट ना हो बैठे बैठे यहाँ जिस्म की फुटियाँ खून की ना बन जाए सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद मैंने आपके लिए आईफोन लिया था मैंने वो बैटरी उसमें नहीं है तो मैंने हार्ड कॉपी मांगी गाड़ी से मुझे दे दिया तो इंशाल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना बड़ी सादत की बात है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा बेशक अल्लाह पाक और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों सल्लू दुरूद भेजो वसल्लमू तस्लीमा और बहुत बहुत सलाम अगर इस वक्त कोई मुझे फोन करे या फिर भाई आप कहाँ हैं मैं कहूँगा वालों सल्लू दुरूद भेजो सल्लू ये ऑर्डर है हम हुक्मियां सीखा है ऑर्डर है अल्लाह का सल्लू दुरूद भेजो वसल्लमु तस्लीमा और बहुत बहुत सलाम अगर मुझे तो कहे याकूब भाई आप कहाँ हैं मैं कहूँगा दुरूद और सलाम की महफिल में ये बात ठीक जी ठीक है मुझे जी क्या कर रहे हैं मैं कहूँगा हुक्म कुरानी पर अमल कर रहा हूँ दुरूद सलाम ही पढ़ रहे हैं ना भाई आका पर दुरूद पढ़ रहे हैं आका पर सलाम पढ़ रहे हैं काफे पढ़ रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो हुक्म कुरानी पर अमल करो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आशिकाने रसूल मौजूद हैं अगर हमारी नीयत दुरूद और सलाम की है तो हम हुक्म कुरानी पर अमल कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं इस वक्त दुरूद और सलाम भी पढ़ रहे हैं आका पर दुरूद पढ़ते हैं हर थोड़ी देर पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने कुरान पढ़ा फिर अल्लाह की हम्द बयान की और मुझ पर दुरूद पढ़ा और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना की तारीफ की है अखलाक की तारीफ की है और
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ विलादत के सिलसिले में ये इज्तिमा है, ये नाथानी है, ये महफिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। अब हुजूर क्यों तशरीफ लाए, दुनिया में क्यों आए? मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बिरासत मुबारक दुनिया में आने का एक मकसद ये भी बयान फरमा रहे हैं कि मुझे अखलाक करीमाना की तकमील के लिए भेजा गया, मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया ताकि लोगों की अखलाक दुरुस्त करें। अब अखलाक क्या चीज़ है, अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक जमा है खू की, खू कहते हैं आदत को, खू कहते हैं आदत को। अखलाक का मतलब हुआ हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक का मतलब ये हुआ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स अच्छी आदतें, अच्छी आदतें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अखलाक करीमाना की तकमील के लिए भेजा गया। तो अब नबी सल्लल्लाहु वसल्लम से क्या लेना हमने, ईमान तो मिल गया, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है ना। तो अब हमने क्या लेना है, अखलाक, क्या लेने हैं, अखलाक। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं? हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारी अम्मी जान, क्योंकि सारी उम्मत की माँ हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहिरात जौजा बीवियाँ, इनको उम्मत की माएँ करार दिया। तो हजरत आयशा सिद्दीका हमारी अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं, से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक कैसे थे? आपने इरशाद फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो हुजूर के अखलाक है, जो कुछ कुरान में, यानी जो अपने फरमाया ना कि यूं करना है, यूं करना है, ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो सब कुछ मेरे आपके निजाम में पहुंचो। ये है अखलाक का बेहतरीन पैमाना। अब एक बात अर्ज करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज 53 ईयर्स तकरीबन मेरी एज है, और दावत इस्लामी से वाबस्तगी को तकरीबन 35 ईयर्स मुझे दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गए, 35 साल गुजर गए, और दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों में मैं दावत इस्लामी की तरफ से नेकी की दावत ले जा चुका हूँ। मेरी एक्सपीरियंस एक लाइफ है, मेरी एक्सपीरियंस एक लाइफ, एक एक्सपीरियंस अर्ज करूँगा। ताली रखना आसान है, इमामा बांधना आसान है, नमाज पढ़ना भी आसान है, अखलाक ठीक करना मुश्किल है। मेरी लाइफ का तजर्बा ये, मैंने बड़े बड़े मजहबी लोगों को देखा है उनके अखलाक ठीक नहीं होते, हालांकि 3% लोग नमाज पढ़ते हैं, 3% उनमें से भी नमाजियों में से भी अखलाक ठीक नहीं होते। माजूर हज करते मैंने लोगों को देखा है फिर भी उनके अखलाक ठीक नहीं होते। मेरे हिसाब से किसी को आप कहना दाढ़ी रख ले वो धोखा काम है, आजकल के दौर में दाढ़ी रख ले आसान है, बेनमाजी को नमाजी बना दे आसान है, किसी को कहना पगड़ी पहन लो इमामा बांध लो सारा दिन इमामा बांधना है, हालांकि मुश्किल काम है फिर भी आसान है, मेरी नजर में आसान है, बांध लेगा। अखलाक ठीक करना बहुत बड़ा, सॉरी, इसमें इतनी बड़ी मुश्किल काम है। मैंने देखा है कि लोगों के अखलाक दुरुस्त नहीं होते, यहाँ सारे शरीफ इब्ने शरीफ, हम सारे शरीफ हैं यहाँ, ये पता चलेगा जब घर जाएंगे कौन कौन बीवी से बदतमीजी करता है, कौन कौन बच्चों को मारता है, कौन कौन बहन भाइयों से सलूक क्या करता है, और कौन गुस्सा अपने माँ बाप पे निकालता है, सब हो जाता है। अखलाक दुरुस्त नहीं है माजरत के साथ, और आज अखलाकियात की इतनी पस्ती हो गई, इतनी पस्ती हो गई कि वो कभी सुनते थे कि वो लोग बड़े अच्छे होते थे यार, लेकिन माजरत के साथ जूं जूं लोग माजरत में माजरत चाहता हूँ, जूं जूं लोग ये कहते हैं कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है, मेरी एजुकेशन ज़रा हाई हो गई है,
मेरा जरा ये चीज़ हाई हो गई है माजर के साथ, उसका करैक्टर उतना कमजोर हो गया। अब करैक्टर किसे कहते हैं? सनत को तो नहीं कहते ना, पेंट कोच को तो करैक्टर नहीं कहते ना, बड़ी गाड़ी को तो करैक्टर नहीं कहते ना, बड़े घर को तो करैक्टर नहीं कहते ना जी। करैक्टर किसे कहते हैं? किरदार किसे कहते हैं? करैक्टर बिल्डिंग किसे कहते हैं? किरदार साथी किसे कहते हैं? किरदार किसे कहते हैं आप? सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाक हुस्न अखलाक क्या है? मेरे आका अलैहि सल्लतु वसलाम ने फरमाया, जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुझ पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, और जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तुम उसे ताल्लुक जोड़ो। मेरे आका अलैहि सल्लतु वसलाम ने तीन बातें इरशाद फरमाई उसने अखलाक के हवाले से। उसने अखलाक क्या है? जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो। अब आप मुझे इरशाद फरमाइए, जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर तो करें कि अखलाक है क्या, किरदार है क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत है क्या, एहसान है क्या, कुर्बानी है क्या, ये क्या चीज़ें हैं ये जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह अकबर। अभी हम सब के सब शरीफ हैं, बेहतरीन एवं नेक आदमी हैं, नातों पर झूम रहे हैं, शरीफ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद खाना सर्व होगा, थोड़ी देर के बाद वह है ना प्रोग्राम, हाँ खाना सर्व होगा, फिर पता चलेगा किसका क्या अखलाक है। किसका अखलाक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज की खुद हाजत हो, जिस चीज की खुद हाजत हो वो किसी दूसरे भाई को दे दे, अल्लाह पाक इस बंदे की मगफिरत फरमा देगा। जिस चीज की खुद हाजत है वो दूसरे भाई को दे दे, अल्लाह पाक उस बंदे की मगफिरत फरमा देगा। एक प्लेट आई, उसमें टिक्के थे, कोई लेग पीस था, कोई थाई पीस था, कोई सीना पीस था, कोई गर्दन पीस था, चार अफराद मिलकर बैठे हैं, आठ बोटियां हैं, लेग पीसेज है एक है, चारों की नियत है कि यार ये लेग पीस की नरम वाली बोटी मुझे बिल्कुल चाहिए, मुझे बड़ी याद खुद दिल कर रहा है, मगर मैं क्या कहकर छोड़ दूँ कि यार ये मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं या ये खा ले, मेरी खैर। मुझे थी हाजत, मैंने अपने भाई के लिए साथ कर दी, अल्लाह पाक उस बंदे की मगफिरत कर दे। एहसान, ये तो आम मुसलमान है ना, आम मुसलमान पर एहसान करने का ये सवाब है। और अगर सबे बहन भाइयों, अगर सबे बहन भाई के लिए साथ करें तो फिर कितना सवाब मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से, बड़ी बदकिस्मती है कि बाप की विरासत हो या माँ के जेवरात, फटा सगे बहन भाइयों में, फटा सगे बहन भाइयों में है। चूंकि मेरा कोर्ट से भी ताल्लुक है, वकीलों से भी ताल्लुक है, जजेस से भी ताल्लुक है, और 15-17 साल मुजुर्ग में बयान करते भी हो गए हैं। अभी मैं इसी हफ्ते गुरुजी साहब में भी बयान करके आया हूँ, कराची में भी बयान करके आया हूँ, हैदराबाद में भी बयान करके आया हूँ। मुझे पता है वकीलों जजों के पास जो केस आते हैं, जोरदार जो सबसे ज्यादा केस है ना, वो सगे बहन भाइयों के आपस में है, आपस में। पहले का दौर होता था कि अगर कोई बहन भाई आपस में किसी वजह से कुछ होते थे तो माँ कहती थी चल छठ घर की गल घर ही लगे, जितना भरा ही ना फिर की हो जाए, चल खैर जो छोटा भरा ले लिया फिर की हो जाए, घर की गल घर ही लगे, चल घर की गल। अब वो कहता आई विल सी यू, आई विल ट्रैक द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में घसी दूंगा, तो और फिर वकील साहब के मजे हो जाते, वकील साहब के मजे हो जाते। अभी पिछले दिन मेरे जाने वाले थे, उन्होंने मुझे इतफाक से कहा कि या फिर मेरा घर है तो वो खाली नहीं कर रहे बंदे, तो मैंने कहा कितने साल हो गए, कहते जी 15 साल हो गए। वकील साहब का मैंने इस शख्स को अपने लीगल टीम को भेज दिया, वो
कहते हैं यार भाई उठी चल घर की रोटी लगी पंद्रह साल हो गए कहीं भी उठी चल पंद्रह पंद्रह साल सगे बहन भाई इतना सख्त नहीं है कि अपनी बहन को समझ इतना सख्त नहीं माजर मैं माफी चाहता हूँ हदीस पाक में आया जिस चीज की खुदा जब है अपने भाई को दे दे अल्लाह पाक उस बंदे की मफरत करवा देगा किधर गया अखलाकियात के पैमाने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की झलकियां बताऊंगा मैं नबी अलैहिस्सलाम के किरदार की झलकियां बताऊंगा मैं नबी की बातें करूंगा चलो दाएं बाएं नहीं होगा मैं किसी की बात नहीं करूंगा मैं नबी की बात करूंगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते तो अक्सर खामोश रहते लेकिन जब भी बात करते काम की बात करते बंदा खामोश रहता जब भी बात करते काम की बात करते बंदा खामोश रहते अब आप मुझे बताइए 80-90% गुना जवाब से होते 80-90% गुना लड़ाई झगड़ा किससे शुरू होता है जवाब से सुलमुखी किससे शुरू होती है कत्ल वारदात किससे शुरू होती है तलाक किससे शुरू होती है बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान लड़ाई कब शुरू होती है जबान से मियां बीवी के दरमियान झगड़ा कब शुरू होता है बहन भाई के दरमियान झगड़ा कब शुरू होता है जबान से आप देख लें हमारे तमाम भाइयों की जड़ में जबान हो जाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है मेरे नबी का तरीका क्या है आप काम की बात करते बता खामोश है नबी की सुन्नत यह है लेकिन अफसोस आज मैं देखता हूं आर्ट्स कोर्स इफ यू वॉन्ट टू गो यूके यूरोप कैनेडा अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें 20-25 हजार देकर आर्ट्स कोर्स करते हैं यंगस्टर्स क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में है राइट लोग कोर्सेस करते हैं अगर बच्चा छोटा बच्चा एक साल का हो जाए डॉक्टर्स ये कहते हैं उसे दो वर्ड्स का जुमला बनाना चाहिए एक साल के बच्चे को ये आपकी मालूमात के लिए बात कर रहा हूं एक साल के बच्चे को दो वर्ड्स का जुमला बनाना चाहिए मैं आया अम्मी खाया अबू जाया दुदू आया ये दो वर्ड्स का जुमला बच्चे को बनाना चाहिए ये कितने साल की उम्र में एक साल की उम्र में बच्चे को बोलना चाहिए दो वर्ड्स का जुमला बच्चे को बनाना चाहिए स्पीच थेरेपिस्ट ये कहते हैं अगर बच्चा नहीं बोलता तो फौरी तौर पे आप रब्ता करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है ये लेट बोलने वाला है और फिर इसको हमने स्पीच थेरेपिस्ट को चेक करवाना है जब स्पीच थेरेपिस्ट को चेक करवाना है तो फिर क्या करना है फिर वो डॉक्टर उसे बोलना उसकी माता को बुलाएगी डॉक्टर और आप इससे ये बोले इस तरह बोलना सिखाएगी वो तो बच्चे को बोलना सिखाया जाएगा जब बच्चे को बोलना सिखाया जाएगा आप देखें दुनिया में कोई टच लैंग्वेज सिखा रहा है कोई कुछ सिखा रहा है कोई इंग्लिश सिखा रहा है कोई अरबी सीख रहा है कोई मुख्तलिफ लैंग्वेज सीख रहे हैं इंग्लिश सीख रहे हैं लैंग्वेज इंप्रूव कर रहे हैं आपने कभी कोई इदारा देखा है यहाँ लिखा हो यहाँ अच्छा बोलना सिखाया जाता है तो देखा जी देखा हम क्या बोल रहे हैं कभी अंदाजा है मेरी इस जुमले से किसकी दिलदारी होगी मेरे इस जुमले से किसको हर्ट होगा मेरी इस बात से किसको तकलीफ पहुंचेगी मेरी इस बात से गरीब लोग मुश्किल में आ जाएंगे मेरी इस बात से अमीरों को तकलीफ होगी मेरी इस बात से मलक साहब पट्टी साहब राणा साहब पट साहब को तकलीफ होगी मेरी इससे पंजाबियों को तकलीफ होगी मेरी इस बात से सिंधियों को तकलीफ होगी मेरे इस नतीजे सुनाने से छुटकला पठानों को तकलीफ होगी मेरे इससे ये मसला हो सकता है मेरी जुमले से ये बंदा हर्ट हो सकता है छोटा भाई तकलीफ में आएगा बड़ा भाई तकलीफ में आएगा मेरी बेगम हर्ट हो जाएगी क्या बोलते सोचा कभी हम अच्छा कभी मेरे आका ने सलातो सलाम में तकलीफ दी थी जी उम्मती को दे रहे उम्मती जबान से तकलीफ रोक सकते नहीं रोक सकते जी रोक सकते हैं नहीं रोकते क्यों वजह क्या है ये नहीं जबान के नुकसान का अंदाजा नहीं है और जब अंदाजा उस वक्त होगा जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर होगी जहां से वापसी नहीं होगी नुकसान कर चुके होंगे जेल जा चुके होंगे तलाक हो चुकी होगी बिजनेस पार्टनरशिप टूट चुकी होगी भाई बहन छोड़ चुके होंगे और बंदा ओनली एंड ओनली अकेला रोता होगा हाथ लेकर हाय की हो गया मेरी बहन छड़ गई मेरा ब्राह्मण छड़ गया मेरे बिजनेस पार्टनर टूट गए फिर वो कभी फैलाने में आएगा अभी
देते हैं या तो कोई दुआ करते हैं मिट्टी को सोने को आटा तो मिट्टी हो जाती है, ये हो जाती है, भाई अपनी जबान पे गौर तो करें, आप जबान में तकलीफ देते हैं। मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने तस्करा किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, इबादत गुजार है, लेकिन जबान से लोगों को तकलीफ देती है। मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, लोगों को तकलीफ देती जबान से। फिर साहबा ने उसकी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है वो जबान है, वो नमाज रोजे में इतनी आगे नहीं है मगर जबान से किसी को तकलीफ नहीं देती, मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएगा। क्या मेरी जबान से दूसरे लोग महफूज हैं? इसका जरूर हमने करना, प्लीज ये जरूर करना है। पहले हमारे दौर में हमारी दादी थी, हमारी नानी थी, वो कहती थी सब का भला सब की खैर, सब का भला। अब किसी किसी मुझे सुना ही जुमला छटा में नहीं मार देंगे वो उसमें बहुत बड़ा किरदार माजरत के साथ सोशल मीडिया, बहुत बड़ा किरदार सोशल मीडिया का हमारा। मैंने अपनी शोभा महाराज दावत इस्लामी का डिजिटल दावत इस्लामी के हवाले से मैंने एक बार प्रेजेंटेशन ली, वर्ल्ड सतह पर हम लेते रहते हैं प्रेजेंटेशन कि किस शोबे में क्या हो रहा है, कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ दुनिया के किसी मुल्क जाएंगे जो होता है वो सीखे आ जाते हैं। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ली कि दुनिया में कितने एंड्रॉयड फोन है, कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, कितने यूट्यूब यूज करते हैं, कितने लोग सारी चीजों के बारे में डिजिटल इंफॉर्मेशन मैंने ली। तो मेरे शोबे वालों ने मुझे बताया कि याकूब भाई दुनिया में इतने अरब लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं और जिसके पास एंड्रॉयड फोन है डेली 6 घंटे वो ये फोन यूज करता है। कितना डेली, कितने घंटे डेली? 6 घंटे। अगर डेली 6 घंटे बंदा इस पर MBBS करे 5 साल के अंदर डॉक्टर बन जाए इसी मोबाइल फोन पर, अगर डेली 6 घंटे मोबाइल फोन यूज करे, इंजीनियरिंग पढ़े 5 साल के बाद वो इंजीनियर बन जाएगा, डेली 6 घंटे इस पर कुरान पढ़े 1 साल में हाफिज़े कुरान बन जाएगा, डेली 6 घंटे इस पर वो आलिम दीन का कोर्स करे 6 साल के बाद दर्शन जामी करके आलिम दीन बन जाएगा। हम क्या बने आज तक बताए, सुनाए कि हमने असलाह खराब कर ली है, सुनाए कि ये मतलब ये जो सोशल मीडिया की जो एप्स हैं इनसे हमने मजाक करना सीख लिया, किसी को काला कहना सीख लिया, किसी को मोटा कहना सीख लिया, किसी को बेइज्जत करना सीख लिया, और आजकल ये चुटकले जो कहते हैं ना मजाहिया एंटरटेनमेंट नो एंटरटेनमेंट, ये किसी की बेइज्जती करके उसको जलील करके दूसरे को उठाया जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया जिसने ईजा दी किसी मुसलमान को, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। और अल्लाह पाक कुरान मजीद फरकान हबीब में इरशाद फरमाता है जिसने अल्लाह और उसके रसूल को ईजा दी उनके लिए अल्लाह ने आग का अजाब, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और उनके लिए अल्लाह ने आग का अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुरान की गुस्ताखी करते हैं, नबी की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह पाक कुरान में फरमा चुका कि जिसने ईसा भी अल्लाह उसके रसूल को उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों का फरमाया कुरान में, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह ने उनके लिए आग का अजाब तैयार कर रखा है। और मेरे नबी ने फरमाया जिसने ईजा दी किसी मुसलमान को उसने मुझे ईजा दी, उसने नबी को तकलीफ दी, ये नबी का उम्मती है। अब आप बताइए नाते पढ़ने वाले, नातों में झूमने वाले, सर गिनाने वाले, या रसूल अल्लाह के नाम पर जान भी कुर्बान है, तो नबी की उम्मती को तकलीफ देंगे हम, इसको झूठा कहेंगे, इसको चोर कहेंगे, इसको फ्रॉडिया कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? जबान पे कंट्रोल नहीं था, ये अखलाकियात की कमजोरी है। ये क्या है, मेरे आका अली सलातो सलाम की क्वालिटी क्या थी, मेरे आका अली सलातो सलाम की खसूसियत क्या थी, मेरे नबी अली सलातो सलाम काम की बात इरशाद फरमाते वरना खामोश रहते, तो काश इस सुन्नत को अपनाएंगे, कौन कोशिश करेगा। मैंने फिर अर्ज कर दिया मैं आपसे कहूं नमाजी बन जाएंगे, आपके बन जाएंगे तो मैं मान लूंगा, आप मुझे कहना जबान पे कंट्रोल करने, मेरी कोड़ियां सीरियस कह रहा हूं,
इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ऐसे लोगों की सोबत में तैयार करनी पड़ेगी जो आपको कह सकेंगे सती करने को फर्ज ख्याल ना करो की करते हो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, की करते हो तुम। माँ बाप का दिल ही दुखाना और बद अखलाकी जो है, आजकल लोग बद अखलाक है, बद अखलाकी नौसत है, बद अखलाकी बदअमली है, बड़ी बदअमलियों का मजमूआ है, झूठ खयानत वादा खिलाफी, ये सब बद अखलाकी की शाखें हैं। बद अखलाकी आपस में इख्तलाफ का सबब है, बद अखलाकी आपस में बुग्ज और हसद पैदा करती है, बद अखलाकी प्यारे अलैहिस्सलाम पे पनाह मांगी है, और बद अखलाकी और बदज़बानी से अल्लाह पाक नाराज होता है, और बद अखलाकी अमल को नेकियों को ऐसे ज़ाया कर देती है जैसे सिरका शहर को खराब कर देती है। बद अखलाकी वाले दुकानदार के पास ग्राहक नहीं आते, जो बद अखलाक हो ना दुकानदार उसके पास ग्राहक नहीं आते। बद अखलाकी बुरा शगुन है, बुरा शगुन है बद अखलाकी। बद अखलाकी अगर इंसानी शक्ल में होती रिवायतों में आए तो बहुत बुरी शक्ल में होती, बुरा आदमी होगा। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी बुराई अब बुरे अखलाक है, और फिर फरमाया बेशक बेहयाई और बद अखलाकी का इस्लाम की किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं, और बद अखलाकी से बसा औकात मियां बीवी में तलाक हो जाती है, घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। बद अखलाक एक गुनाह से तौबा करता है तो इससे बदतर गुनाह में मुब्तला हो जाता है। बद अखलाक आदमी को बारहा नाकामियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक संवारने के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अखलाक की झलकियां, तो प्लीज इंशाअल्लाह हम अच्छा बोलना सीखेंगे। अच्छा बोलना क्या होता है? किसी मुसलमान को गाली ना दे, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दे, किसी की गीबत ना करें, झूठ ना बोले, किसी वादा खिलाफी ना करें। अब वादा खिलाफी लोग कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, आमतौर पर कहते लोग इसको कि वादा पूरा नहीं करते, मैं इतने बजे आऊंगा नहीं आते, मैं फोन करता हूँ नहीं करते, मैं इतने दिन बाद पैसे दे दूंगा नहीं देते, मैं ये कर दूंगा नहीं करते। अब वादा खिलाफी की वही सुनिए जो हदीस में बयान की गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने वादा खिलाफी की वो हमें से नहीं, जिसने वादा खिलाफी की वो हमें से नहीं, ना उसका कोई फर्ज कबूल है ना कोई नफल कबूल है। आप बताइए कितना खिलाफ किया, कितने अखलाक, कौन सा वादा, और जी सॉरी मैं लेट हो गया, क्यों लेट हो गया तू, और जी सॉरी मैं ये नहीं, वो भाई क्यों नहीं हो गया, दर्जी वक्त पे जो कपड़े नहीं वापस करता, प्लम्बर टाइम दे के नहीं आता, लकड़ी का काम करने वाला एक दिन का काम बताता चार दिन तक लगा रहता है, मजदूर मिस्त्री कहते हैं जी सब मसले को 30,000 रुपये का कमरा बन जाएगा, असं भी कहते हैं जादू की छोटी है, क्या जादू की छड़ी इसके पास है 30,000 रुपये कमरा बना देगा जी, फिर जब घुसते हैं अंदर तो 1,00,000 रुपए खर्च करवा देता फिर भी काम पूरा नहीं होता, गलत क्या नहीं करते, झूठ बोलते, उसको पता होता नहीं होना, लेकिन बंदे को सेट करने के लिए पार्टी सेट करने के लिए कहते चलो व्हाट इज दिस, ये पता था, ये वादा खिलाफी कर रहे हैं आप कि 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, आपको पता नहीं हो सकता, आप बोले नहीं हो सकता, कहा चला जाएगा, कहा चला जाएगा, नहीं आएगा आपको, ना आए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको तकलीफ रहेगी, कुछ वक्त बाद आपका ख्याल आपको रेपुटेशन ऐसी जबरदस्त हो जाएगी कि आप जो कहेंगे वो करेंगे। ये जितने जितने बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, 10 रुपए की चीज 200 रुपए की देते हैं ब्रांड वाले, क्यों, उन्होंने प्यार कायम किया है, उन्होंने दबाव कायम किया है, जो कहते हैं वो देते हैं, लोग 200 की चीज दे देते हैं, जो लिखा है वही होगा ना, तो अखलाकियात किसे कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले को मोहब्बत देते और ऐसा कोई काम ना करते जिससे नफरत पैदा हो, आने वाले को मोहब्बत देते, आने वाले को मोहब्बत देते, इसे कहते हैं वेलकमिंग एनवायरमेंट, वेलकमिंग एनवायरमेंट क्रिएट करना। मिसाल के तौर पर मैं आया तो मुझे आने वालों ने जो मेजबान थे बारे में मुझे रिसीव किया, उन्होंने आगे गाड़ी से उतरा रिसीव किया, एक और साहब तशरीफ लाए बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराया, मुझे पता चला जब कोई आ गया मैं भी फटाफट आ गया, मुझे अच्छा लगा किया, फिर कोई आया तो मुस्कुराया, कोई आया तो किसी ने वेलकम किया, ये भी है वेलकमिंग एनवायरमेंट, क्या कहते हैं वेलकमिंग एनवायरमेंट। अफसोस की बात है कि आज हम ये नाकाम हो गए। मैं चिकन सप्लाई करता था बड़े बड़े होटलों को आज से कोई 25-30 साल पहले, दाऊद इस्लाम की शूरा से पहले,
मैं एक होटल में था, लाहौर में बड़ा अहम होटल है, ये फोर्चा होटल है, बड़ा होटल है, हवाई वगैरह इस तरह का होटल है। तो इनकी मैनेजमेंट के साथ मुझे बताया कि फ्रांस से एक शख्स बुलाया है, 2018 में फ्रांस से एक फ्रेंच शख्स को बुलाया है और उनको 1 मिलियन रुपीज के किए हैं 10 लाख रुपए पे 2018 में, और उसने आके होटल वालों को मुस्कुराना सिखाया। कैसे कहा है? पैसे कितने दिए फ्रांसीसी को? 10 लाख। उसने क्या सिखाया? आप मुस्कुराते रहेंगे तो आप 10 लाख आएंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे तो कप अच्छी पूरी हो जाएगी, आप मुस्कुराते रहेंगे तो लाख बार बार आएंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपका होटल चलेगा, आप मुस्कुराते स्माइलिंग फेस के साथ डील करेंगे तो लोगों के आपको 2000 की चीज आपसे 20,000 रुपये में लोग ले लेंगे, आपसे मुस्कुरा के देंगे। यार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप मुस्कुराया करते थे, आप मुस्कुराया करते थे, बहुत मुस्कुराते थे। इनसे पूछा गया कि आप इतना मुस्कुराते क्यों हैं? वो कहते मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही देखा। और उलमा ने इसकी जो हिकमत बयान की है वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ना मुस्कुराते तो नबूवत के रोग की वजह से किसी सहाबी की जुर्रत होती है बात कर ले। मेरे आका ने सुना तो मुस्कुराते रहते थे, सहाबा मक्खियों की तरह शहर की मक्खियों की तरह कभी बैठते थे, बिल्कुल जैसे परिंदे बैठते ना धरती बैठ जाते थे सरकार की बात में। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर रहते थे। लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आने वाले को मोहब्बत देना वेलकमिंग इंपॉर्टेंट। मैं इंग्लैंड गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग झगड़े हैं, बहुत सारे लोग लड़ाइयां हैं, तलाकें बहुत ज्यादा हो रही है, घरों के अंदर फटे फसाद, लोग को तावीज लेने आ रहा है, कोई दम कराने आ रहा है, कोई दुआ कराने आ रहा है, कुछ इनका टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, किसी को एंग्जायटी, किसी को कुछ मसाइल का शिकार है, बहुत ज्यादा लोग। तो मुझे मौका मिला वहाँ कस्टमर केयर के हवाले से कुछ बात करने का, कस्टमर केयर का मैंने कभी आपको कोर्स कराता हूँ, चलो पहले इसको चेक करो मोबाइल पर के कस्टमर केयर का कोर्स कितने का यूके में। उन्होंने लिखा 3,500 pounds, तकरीबन 14 लाख रुपये, ये यहाँ फीस है। मैंने कभी आपको फ्री करा दिया। करते करते बात चली उस फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन लास्ट होता है, सिर्फ 30 सेकेंड्स का होता है और जिंदगी में एक बार मौका मिलता है आप तो किसी के जेल पे इंप्रेशन कायम कर लेंगे। अगर आपने उसको वेलकम कर दिया फर्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर, वो सारी जिंदगी आपको याद रखेगा। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी, पाकिस्तानी जितने भी बाहर के मुल्कों में गए हैं आप, आपको पता होगा उनमें ज्यादातर टैक्सी चलाते हैं, वहाँ टैक्सी चलाते हैं ज्यादातर, क्यों? हफ्ते जुमा हफ्ता को जुमे की शाम, हफ्ते की शाम सारे अंग्रेज जितने भी उन मुल्कों के लोग होते हैं वो शराब खाने जाते हैं, शराब पी के गाड़ी चला नहीं सकते, टैक्सी बुला लेते हैं, टैक्सी भी जाते हैं शराब खाने गाड़ी भी चलाते हैं। तो टैक्सी का बिजनेस जरा अच्छा बिजनेस है, लोग कमा लेते हैं काफ़ी सारा। तो मैंने कहा जब ग्राहक आता है आप मुझे बताइए, ग्राहक आया आप गाड़ी से उतरते हैं? कहते जी उतरते हैं। मैं कहा हेलो कहते हैं? कहते जी कहते हैं। मैं कहा मुस्कुराते हैं? कहते जी मुस्कुराते हैं। मैं कहा उसका सामान पकड़ गाड़ी में रखते हैं? कहते जी रखते हैं। मैं कहा दरवाजा खोल के बिठाते हैं? कहते जी बैठते आते हैं। मैं कहते अगर वो जूस पी रहा है शराब पी रहा है गाड़ी के अंदर वो पानी गिर जाए वो कहता वो सॉरी सॉरी, आप क्या कहते हैं? इट्स ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, खैर फिर भी हो जाए। तो फिर मैंने कहा जब आप उसकी मंजिल आ जाती है आप गाड़ी रोकते हैं आप उतरते हैं? कहता जी मैं उतरता हूँ। मैं कहा दरवाजा खोलते हैं? कहता जी खोलते हैं। मैं कहा उसका सामान हाथ में देते हैं? कहता जी देते हैं। मैं कहा बाबा करते हैं? कहता जी करते हैं। मैंने कभी बेगम दूसरा किया है? कभी इस तरह बेगम से शुरू किया? 5 pound 10 pound 20 pound काट देगा बेगम कितनी का कीमती है? नहीं बोले जोर से बोले आज नहीं आ रही, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बेगम देख भी रही है, बेगम भी देख रही है, बेगम कीमती है क्या कीमती है? कभी बेगम के साथ ये शुरू किया? जब दरवाजा खुला और बेगम साहब अंदर आई, हम उठे खड़े हुए दरवाजे पे गए, वेलकम, आपके बगैर तो घर सुना सुना था, लाइन ये थैला मुझे दें, लाइन ये चीज मुझे दें, आए पानी ला के पेश करें उसको, आइए तशरीफ लाइए। आप मुझे सीरियस बताइए, आप 5 pound 10 pound जितने ग्राहक कभी उसको इज्जत नहीं देंगे तो आपका घर कैसे बसे? अपना घर आपकी जन्नत कैसे बनना है? आपकी लाइफ पार्टनर है, और अगर घर सुकून वाला हो जाए ना, आपको नमाज पढ़ना आसान,
आपको कामकाज करना आसान, आपको इबादत करना आसान, आपको मुआशरे में परफॉर्म करना आसान। ये जितने लोग भी बेचारे लड़ते हैं ना बाहर आते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला लड़ रहा है या कोई ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ रहा है या दुकानदार लड़ रहा है, आप सब तरह का चल गया है, यह स्थिति पूरी नहीं है, यह स्थिति पूरी नहीं है, सारी करते हैं इसको सुकून ही नहीं कर रहे। और जो लोग कामयाब लोग हैं उनको घर से सुकून हासिल, अपना घर अपनी जन्नत कैसे बनाना है, अगर कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मोहब्बत देने का नहीं है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्फाज क्या था, आने वाले को इतनी मोहब्बत देते कि हर आने वाला ये समझता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और हमारा अंदाज मुख्तलिफ होता है माजरत के साथ, हम बैलेंस नहीं रख पाते, हम लोगों में बैलेंस नहीं करते, एक को ज्यादा इज्जत देते हैं दूसरे को कम देते हैं, एक को इस तरह करते हैं दूसरे को नहीं करते, हत्ता के अपने बच्चों में भी बैलेंस नहीं करते, बच्चों में भी बैलेंस नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, बैठे थे, एक बच्चा आया, उस सहाबी का बच्चा था, उन्होंने बच्चे को चूमा, बच्चे को चूमा, अपनी रान पर बिठा लिया, थोड़ी देर बाद बेटी आ गई, बेटी को तो नीचे बिठा लिया, चूमा नहीं रान पर नहीं बिठाया, वो तो नीचे बिठा लिया। मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इनमें बराबरी क्यों नहीं की, तुमने इनमें बराबरी क्यों नहीं की, जब बेटा आया है उसको चूमे, उसको रान पे बिठाया है, इसको चूम के इधर भी नहीं बिठाया। ये वाली से पूछा जाएगा क्या मत दे, बराबरी करनी है औलाद के अंदर, यकसानियत करनी है, यहां पर किस्मती के साथ एक ज्यादा फेवरेट है दूसरा कम फेवरेट है। मेरे दोस्त है दावत इस्लामी के हैं, मुझे उन्होंने कहा याकूब भाई मेरे का तीसरा बेटा पैदा हुआ है, तीसरा थर्ड, तो मेरा तीसरा बेटा दो साल का, तीसरा बेटा दो माह का है और जो दूसरा बेटा है वो दो साल का हो गया, दो साल का हो गया। अब जब दो साल का हो गया है तो जो दो साल का बेटा है वो दो माह वाले को काटता है भाई, कभी बाजू पे काटता है कभी कान पे काटता है, तो मैंने कहा बच्चा कसू तो आपका ही है, वो कैसे, मैं कहा मन दसो जरा, दो माह पहले जब ये पैदा नहीं हुआ तीसरे वाला माँ की गोद में कहना बच्चा था, दूसरे वाला बाप की गोद में कौन सा था, दूसरे वाला, जब ये तीसरा साहब तशरीफ लाए माँ की गोद में कौन सा बच्चा है, तीसरा, बाप किसको प्यार कर रहा है, दूसरा ये समझ रहा है कि जिदों में ये आया ना मैं प्यो तो भी दूर हो गया, मैं माँ तो भी दूर हो गया, मेरा दुश्मन आया वो काट रहा है। आपको किसने कहा ये करें, अगर दूसरा तीसरे की माँ को जरूरत है, माँ ने दूध पिलाना है, माँ ने उसको खिदमत करनी है, तो बाप इसकी शफकत बढ़ाते हैं, दूसरे को ऐसा से कब तक नहीं लाने दे। और आज हमारे औलाद के अंदर हसद, दो साल का बच्चा हसद का शिकार हो गया, देखिए तीसरे भाई से सके बहन भाइयों में हसद पैदा होता है, गलती बाप की होती है, बैलेंस नहीं रखते औलाद में, बैलेंस नहीं, एक को ज्यादा दे दिया दूसरे को कम दे दिया, एक को अच्छा खिला लिया दूसरे को नहीं खिलाया, एक की सालगिरह कर ली दूसरे की नहीं की, एक की सालगिरह में महंगी चीज आ गई दूसरे की नहीं आई, बच्चे फील करते हैं, बिल्कुल फील करते हैं। अगर एक बच्चे को चूमे तो आप दूसरे को भी चूमे, ये बराबरी करनी हो। जब कोई चीज लेकर आए हदीस पाक में आए कि पहले बेटी को दे फिर बेटे को दे, पहले बेटी को दे फिर बेटे को दे, ये रिवायतों में मौजूद है। अच्छा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों की इसका से कभी गफलत ना फरमाते, लोगों को कहते कि ये सही करें, ये दुरुस्त करें, ये ठीक करें, जो को गलत काम देखते तो उसकी इसका फरमाते। आज हम खामोश हो, हम क्या हो गए, और यार जिधर जो मर्जी करें यार, जब तक बाप दादा ताया जी अब्बा जी नाना जी बहू जी समझाते थे बच्चियां ढोलकी नहीं बजाती थी, बच्चियां तेल मांदी पे नाचती नहीं थी, जब अब्बा जी ताया जी बहू जी बाबा जी दादा जी समझाना छोड़ दिया साथ बैठ के तेल मेहंदी के अंदर बच्चियां डांस कर रही, और फिर जो तबसरे करते हैं लोग नौजवान जो देख के तबसरे करते हैं सब फिर तो बंदा गहरे से मर जाए, इज्जत के जनाजे निकल गए, समझाना छोड़ दिया, वो कहता सब क्यों लगे छा और मैं अपनी कमर जाने से अपनी, ओ भाई ये आग है, ये क्या है आग, जलेगी तो हमारे घर को भी जलाएगी, मोहल्ले में आग लग जाए तीसरे चौथे घर में आप सुनेंगे जी, नहीं 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 हवा उधर क्यों नहीं, दस घर भी गए हवा उधर क्यों, तो दस घर उधर गए, जितनी हवा चलेगी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी आप ज्यादा निकलेगी। तो ये नशा है, जुआ है, बद अखलाकी है, बद किरदारी है,
नहीं रोकेंगे ये आ गए, ये फैलेंगी, हम तक नहीं आएगी, हमारे बच्चों के जाएगी, बच्चियों के जरिए आ जाएगी, रिश्तेदारों के जरिए आ जाएगी। आजकल मौतों का वायरस फैला हुआ है, फैला हुआ है वो पता नहीं किसके जरिए करा जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं वहां चले जाते हैं। अच्छा इसका भी उसूल मैं सिखा दूं, ये आंखों का वायरस है थोड़े दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाना है, अगर किसी को हो जाए उसको घर का तोड़िया यूज नहीं करना चाहिए, वो टिश्यू पेपर रख ले, टिश्यू से आंखें साफ करता रहे, टिश्यू फेंकता रहे, तोड़िया यूज नहीं करेगा, तोड़िया अपना अलग कर ले पहली बार। सेकेंड वन, ठंडे पानी को यूज करें, ये वायरस गर्मी में ज्यादा तंग करेगा, जितना पसीना आएगा जितना ज्यादा गर्मी में रहेगा आंखों में रड़क लगेगी, गर्मी में ये मजीद आके सुर्ख होगी ज्यादा होगा, ठंडे पानी के छट्टे मारता रहे। नंबर तीन, ये पानी नापाक है, दुखती आंख का पानी नापाक होता है, आंसू नापाक नहीं आंख से निकलने वाला, लेकिन ये आंख सुर्ख हुई है ना बीमारी की वजह से, ये नापाक है। क्यों? आंख के अंदर पीप और खून के मसाम खुल गए हैं, इस पानी के अंदर खून और पीप शामिल है, ये नापाक है। तो लिहाजा कपड़ों पे लगेगा कपड़े नापाक, किसी ने इमामे से साफ किया तो इमामा नापाक, तोलिए से साफ किया तोलिया नापाक, जिस चीज से ये साफ करेगा आंखों का पानी ये नापाक। अच्छा अब एक बंदे ने आंखें साफ की और दूसरे से हाथ मिलाया, उसने कोई हाथ पकड़ के अपनी आंखें साफ कर ली, उसको भी हो जाएगी, तो ये ट्रांसफर होती है, उड़ के बीमारी लगती है, याद रखिएगा। एक बंदा मुझे अभी कह रहा था कि जी मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखों में भी होगी, देखने से वो नहीं होना ना उड़ के होना, किसे पास करता बीमारी उड़ के नहीं लगती, हाँ टच करके छू के लगेगी। तो लिहाजा अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अच्छी बात को अच्छा कहते, बुरी बात को बुरा कहते, जहां कहीं तशरीफ ले जाते वहीं पे बैठ जाते, जहां जगह मिलती वहीं बैठ जाते थे, बैठने की कोई मखसूस जगह नहीं थी। साहिब को अता फरमाते आपकी मजलिस आपकी महफिल इल्म बुर्दबारी हया सब्र और अमानत की मजलिस, इल्म की मजलिस, हमारी मजलिस जब हम बैठते हैं वो फिर मौसम का सुना वो मैजर नहीं बने और सियासत तक नहीं बने, कौन आ रहे आजकल अब आपका तो बड़े बड़े बिजली बड़ी महंगी है ऐ तो फलाना गवर्नमेंट का है फलाना, हमारी मजलिस यह कहानियां थी कहानियां सुनानी एक दूसरे को बजाय के उसका नॉलेज इनहेंस करें वो इल्म की बात करें, हालात हाजरा पर तबसर है जिसका हद कोई, अगर कोई फायदा है तो बता दें, कोई फायदा है तो मुझे बता दें, अभी वही कर लें, फायदा नहीं। इल्म की मजलिस होती थी, नबी अलैहिस्सलाम नॉलेज की बातें करते थे, इल्म फैलाते थे, बुर्दबारी टॉलरेंस बर्दाश्त सब्र वाली, अगर कोई घाटा वादा करते तो बर्दाश्त करते, हया कोई भी बेहयाई वाली बात नहीं करते थे। और यहां बदकिस्मती से लड़कियों की बातें औरतों की बातें इधर की बातें उसके घर की बातें उसके घर की बातें बेहयाई वाली बातें होती थी, सब्र की मजलिस होती थी और अमानत की मजलिस होती थी। अमानत क्या है? मैंने कुछ बात कान में की, इसका मतलब है ये बात मैं आप सबके सामने नहीं करना चाह रहा ना, अपने कान में की है, अब इन्होंने जाकर को ये याकूब भाई ने मुझे ये कहा था, तो भाई अगर मैंने ये कहलवाना ही होता तो मैं खुद कह लेता, मैंने तो आपको अमानत कही थी, दो दोस्त आपस में बात करते हैं वो तीसरे को जाकर बता देते, और बीवी को घर में बताया वो सारे बने बता देते, अपने इतनी बेवकूफी है कि मजलिस को अमानत रखना नहीं आता, बात को अमानत को भी अमानत रखना नहीं आता, अफसोस। और बिलखसूस ये सुनिएगा, मियां बीवी के दरमियान जो मामलात है रात को, अगर शौहर किसी को जाकर बताए ये बदयानत, और अगर बीवी किसी को बताए तो वो बदयानत। और क्यामत के दिन आदमी जहन्नमियों के दरमियान वैलो सुबूर खोलते पानी और जहन्नम की आग के दरमियान दौड़ता फिरता होगा, मौत मांगता होगा, लोग कहेंगे ये इसको क्या हो गया, ये कौन है, कहा जाएगा ये वो है जो फहश बातों से लज्जत लिया करता था, मियां बीवी के मामला से लज्जत लेता था, लज्जत उठाता था। आज सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें पसंद करते हैं लोग, इस तरह की कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं, इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसमें उल्टी सीधी बातें बेहयाई की बातें हैं। मेरे आका की सलातो सलाम की मजलिस हया वाली होती थी, कौन सी होती थी? हया वाली होती थी। अल्लाह हमें हया नसीब फरमाए, औरत आ जाए आंखें झुक जानी चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जो मर्द हैं वो जो अपनी आंखें निगाहें नीची रखते हैं, और वो मोमिन औरतें जो हैं वो अपनी निगाहों को कुछ नीचा रखती हैं, तो निगाहें नीची रखने का कुरान में हमें हुक्म फरमाया गया है। मेरे आका ने सलाम सलाम में पहल फरमाते, सलाम में पहल फरमाते, कितने लोग ऐसे हैं हम सिर्फ सलाम करें ना तस्लीकियां मिल जाए, तस्लीकियां भी लेते
बैठे रहते भाई, सलाम करने में क्या आ जाए, इनको सलाम करो, इनको सलाम करो, इनको सलाम करो, उनको सलाम करो, क्या आ जाए। अभी सलाम तो सलाम होगा इंशाल्लाह, चलिए नबी को सलाम करेंगे हम, क्या कहेंगे, मुस्तफ़ा जाने का अहमद पे पढ़ेंगे ना, या नबी सलाम अलैका सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा जाने का अहमद पे। कई लोग होंगे बिल्कुल खामोश खड़े रहेंगे और भी लाएंगे, जो होटल आ रहा है जो कह रहा है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उसको लाख मरतबा सलाम करने का सवाब मिल रहा है। और जो सवाब जो वैसे हम ध्यान कितने हो रहे थके हैं ना, मुझे दो में मैंने कहा उस गल से जा रहा हूँ, उसको पता ही कोई नहीं किसी खुलता हूँ। अच्छा बाहर लोग ज्यादा ही ज़्यादा मौजूद बनते हैं। अब ये जो पढ़ रहे ना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, जब उसने कहा ना लाखों सलाम, उसने हुक्म कुरानी पर अमल किया, वसल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, और नबी पर बहुत बहुत सलाम भेजो। मेरे अकाल हजरत रहमतुल्लाह ताला लिखा लाखों सलाम, तो उलमा ने लिखा कि अगर कोई बंदा कहे ना लाखों सलाम, उसको लाखों मरतबा नबी अलैहि सलातो सलाम पर सलाम भेजने का सवाब मिले। और यहाँ दुरूद सलाम की महफिल होती, पढ़ते नहीं हूँ सलातो सलाम की, लोग खामोश कर रहे थे, वो भाई सलाम पढ़ना है, सवाब का मौका है। मेरे अकाल ने सलातो सलाम पहले सलाम करते हैं। और अमीर अल सुन्नत दावत बरकात माली की किताब रफीकुल हरमैन में पढ़ा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, शायद मेरे ज़हन में आता है कि जब मदीने का ज़ायर मदीने शरीफ हाजिरी वाला आजकल मदीने जाता है और सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, नबी अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज करता है, पेश करता है, मेरे आका की सलातो सलाम उसके सलाम करने से पहले उसको सलाम कर देते, क्योंकि नबी की आदत करीमा है। मेरे आका ने सलाम सलाम में पहल फरमाते थे, तो इससे पहले कि मदीने का जाहिर सलाम पेश करे मेरे आका पहले सलाम करते थे, आदत है, बच्चों को भी सलाम करते थे, और हम बच्चों को नहीं, मैंने सलाम भी नहीं किया, और नहीं किया कुछ कारण है सुनत सी, और नहीं किया कुछ कारण है जनाब, खाली इसमें फटा है, मैंने सलाम भी नहीं किया, नहीं किया ठीक है भूल गया, गैर नहीं इतने तवज्जो कुछ कारण, मेरे आका बच्चों को सलाम नहीं करते थे, मेरे आका गुलामों को सलाम नहीं करते थे, मेरे आका छोटों को सलाम नहीं करते थे। और सबसे ज्यादा महरूम तबका माजरत के साथ आपका चलो ये सिक्योरिटी गार्ड, ये कॉलोनियों के बाहर सोसाइटियों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, दुकानों के बाहर ये तो सबसे बेचारा कुछ का होता सलामी को निकाल जाओगा, और नौकरी करता है जिसके हलाल कमांगा पे आए, और हदीसे पाक में आता है जो हलाल रोजी कमाने के लिए जितनी जलील जगह पर खड़ा होगा अल्लाह के उतना गरीब होगा, हदीसे पाक बंदे के नामा अमाल में बास लोग ये कहते हैं आप भी बैठे होंगे शायद आपसे डांटता है सानू चेटा पहनी है साढ़े कोविड में जाओ तो गला सुनो तो लोगों की गला सुनो, उनको मैं तसली के लिए बात सारों के लिए मेरे लिए भी आपके लिए भी, खैर बड़े तो बड़ा वजीर है तो मैं उन्हें चेटा पहनी है किसी ने तो पहनी होंगी ना, मिनिस्टर होगा किसी ने किसी चेट तो पहनी होगी, बड़े तो बड़ा अफसर होगा तो फिर चट्टी खा करना होगा कोई कोई अफसर होगी जो भी, तो हलाल रोजी कमाने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए मेरे आका की सलातो सलाम ने फरमाया बंदे के नामा अमाल में बास गुना ऐसे होते हैं, बास गुना ऐसे होते हैं जो नमाज रोजे से भी माफ नहीं होते, नमाज रोजे से भी माफ नहीं होते, रिस्क हलाल कमाने की राह में जो तकलीफें आती है वो उन गुनाहों का कफारा होती है। तो जो रिस्क हलाल कमाने के लिए खड़े होते हैं वो डांटते सफर कर ले कोई बात नहीं, गुना माफ हो रही वो डांटते कोई बात नहीं, आप लोग नहीं ना छोड़े, मैं देखता हूँ बात लोगों को मैं ना पाना नौकरी दिया करते ही लेकिन जो हम साय तंग करते हैं उस पर जो सबर अगर कोई किसी को हमसाया तंग करता है, अगर कोई किसी को हमसाया तंग करता है उसके तंग करने पर वो सब्र करे, एक वक्त आएगा उसके घर का मालिक ये होगा, उस घर का मालिक ये होगा। हमसाये की तकलीफ पर सब्र करना भी ये हमसाये के हुक्म में शामिल है कि हम साया तंग करें तो ये सबर करें, तो लिहाजा टॉलरेंस पैदा करना बर्दाश्त करना
मेरे पास बहुत सारी बातें ऐसी हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की अदाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं यही कर सकूँगा कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, जहनी तौर पर थकावट, नींद, फजर पढ़नी है और भी माफ कर चुका हूँ क्या। अच्छा, ये लिखा है जुमे का, तो मैं बहुत सारी बातें नबी की अदाएं आपको बता सकता हूँ। मेरा मशवरा है जब भी कभी महफिल नात हो, जब भी कभी हो, तो बयान की तरफ खुसूसी तवज्जो दिया जाए, क्योंकि ये इल्म है, ये क्या है, ये नॉलेज है। और जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों पर अफजल बनाया, इंसान को फरिश्तों पर अफजल बनाया। फरिश्तों ने जानना ये क्या, हम कोई इबादत गुजार है, ये जो वजह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई वो इल्म था, फिर नाम बता दिया आदम अलैहिस्सलाम ने चीजों के, फिर से नहीं बता सकते। इंसान की अफजलियत की वजह क्या थी, नॉलेज। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, पहली वही 40 साल की उम्र में आप पर नाजिल हुई। ये नहीं कहते नबूवत 40 साल की उम्र, नहीं नहीं, इस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, अब तो वाहिद है, उस वक्त भी नबी थे। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, तो ये क्या है, तमाम आसमानी किताबें, जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, सही थे, इनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ बयान की है, इतने खसाइस बयान किए हैं, इतना कुछ बयान किया है कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से ज्यादा पहचानते हैं। ये काफिर जो ना, काफिर जो तौरात और ज़बूर इंजील पढ़ते थे, मेरे आका ने अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुरान में, कि ये नबी अलैहिस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान को कैसे पहचानते हैं, अपने बेटों से ज्यादा, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं ना, ऐसे नबी को पहचानते हैं। यानी बेटा, इस पूरे मजमे में अगर किसी का बेटा बैठा हो, पहचाने नहीं पहचानेगा, अगर कोई आवाज सुभान अल्लाह कहे, पता पहचाने मेरे बेटे की आवाज है, चलने की आवाज से पहचाने नहीं पहचानेगा, दरवाजा नॉक करे, पता नहीं चलता छोटा बेटा बड़ा बेटा, नहीं पता चलता, पता चलता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। फिर ईमान क्यों नहीं लाए, वही कुरान बयान कर रहे हैं कि हसद की वजह से, ये हसद की वजह से कि बनी इसराइल से क्यों आई, तो फिर कुरान, हसद की वजह से, वरना तौरात में, ज़बूर में, इंजील में नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत का लिखा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का लिखा है, वादा का लिखा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने कितना इतना तो लिखा है कि बेटों जितना पहचानते हैं नबी अलैहिस्सलाम। आसमानी किताबों में नबी की नातें लिखी हैं, नबी की विलादत का तस्करा लिखा है, बहरहाल बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि वक्त महदूद है, मेरी आपसे दरखास्त है, नॉलेज हासिल करें, इल्म हासिल करें। नॉलेज दो तरह का होता है, नॉलेज, इल्म, एक होता है रेलिवेंट, एक होता है इररेलिवेंट। रेलिवेंट इररेलिवेंट में फर्क क्या है, बाद लोग ये कहते हैं छठ बोलकर की बता दी, कहते हैं बाद लोग छठ बोलकर की बता दी, कहते हैं बाद लोग, चलिए मैं आपको बताता हूँ उनको क्या पता है, जो कहते हैं बोलकर की पता है उनको क्या पता है। आइए नाजरीन, हम आपको लिए चलते हैं रशिया, जहां बर्फ का सैलाब आ गया है, और बर्फ का सैलाब साइबेरिया से शुरू हुआ है और मॉस्को तक पहुंच गया है, मॉस्को से आगे चेचनिया, क्रीमिया और जनाब ये रशियन स्टेट्स की तरफ बढ़ रहा है, और बर्फ का सैलाब आ गया। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, रशिया में बर्फ का सैलाब आ गया, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन आई, आइए नाजरीन चलते हैं कैनेडा, जहां की चिड़ियाघर में गैंडे ने बच्चा दे दिया, और चिड़ियाघर में गैंडों की तादाद 3 हो गई है, उस बच्चे का नाम रखा गया है, केक काटा गया है, चिड़ियाघर कैनेडा की जो चिड़ियाघर की इंतजामिया वो सेलिब्रेट कर रही है गैंडे की पैदाइश। आइए चलते चाइना, जहां पांडे ने 2 बच्चे दे दिए, उनका नाम है टिंकू मिंकू, और उनका केक काटा है, पांडों की तादाद चाइना में 5,000 हो गई है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां से चिड़ियाघर से बंदर भाग गया है, न्यूयॉर्क पुलिस ने ड्रोन कैमरे उड़ा दिए हैं, जंगल की तरफ भागा, सड़क पार करके हाईवे पार किए बंदर ने, जंगल में चला गया है। और चिड़ियाघर गया है, डॉक्टरों की GIT कायम कर दी गई है कि बंदर चिड़ियाघर से पता नहीं चला। ये बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज है, और कहता है
कहानियां सुन के खबरें सुन के वो कहता मेरे पास इंटरनेशनल अफेयर्स का नॉलेज है। सिर्फ उस बंदे से इतना पूछता हूँ, पढ़े लिखे बंदे से, आप मुझे ये बता दें कि आप शादीशुदा हैं? हाँ जी शादीशुदा है। आप बताइए शादीशुदा मर्द पर कितना वाजिब है कि वो अपनी बीवी को साल में कितने जोड़े कपड़े के देगा, कितने जोड़े जूते के देगा, कितनी जरूरत शरीयत शरत क्या जरूरी है उसके लिए बताइए। एमोलिया ने गला एमोलिया ने बड़ा मुश्किल कर देता है, एमोलिया ने बड़ी मुश्किल देता है। उत्तर तक लोगों का पता है, लैग भाई का पता है, राना का पता है, वाइट बॉल का पता है, ठीक है, इन्हों हलाल आपका क्यों नहीं पता? आपको बीवी का नाम रखकर क्यों नहीं पता? क्यों? इसका नॉलेज ये नहीं था मुझे कुछ नहीं है, जो हमने सीखा वो हमें आ गया, जो हमने सीखा वो हमें आगे हमें आता है, जो सीखा है, जो नहीं सीखा वो नहीं आता। सीधी बात सीख ले, दावत इस्लामी सिखा रही, बिल्कुल फ्री सिखा रही, बिल्कुल मुंह सिखा रही। दावत इस्लामी का फैजान मदीना मरकज है आपके करीब जोर टाउन में, एक्सो सेंटर के सामने, एच ब्लॉक में। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा मुबारक को 1:15 से पौने 2 मैं इसी मौजू पर स्पीच करता हूँ। मेरा मौजू यही होता है, ट्रैक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी, नई नई टेक्निक पढ़ता हूँ, नई नई रिसर्च पढ़ता हूँ, आकर की सुनते पढ़ता हूँ और फिर लोगों को बयान करता हूँ। सफाई सुथरा में बात ही नहीं अभी मैंने कि मुझसे स्पेल खत्म करने का तरीका क्या है। चलिए एक बात आखिर में बता दो, लास्ट बात, मच्छरों का सीजन है जी, डेंगू का सीजन है, मलेरिया का सीजन है, इस मौसम में मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं। अल्लाह पाक ने मीठे पैदा किए जी, इंग्लिश में कहते हैं स्वीट लेमन, उर्दू में क्या कहते हैं? मीठे। ये मिठू का किरदार क्या है? एक बार मैं काफिले में गया दावत इस्लामी के साथ 3 दिन किसी शहर में, तो कब्रिस्तान के साथ ही मरकज था, मुझे बड़े मच्छर काटे, बहुत मच्छर काटे उस सारे। मैं सुबह जुम्मे में आया फैजान मदीना में, जुम्मे के बाद मुझे बुखार हो गया, कब कब के साथ बुखार, कब कब के साथ बुखार। डॉक्टर को 2 दिन पर फोन किया, मेरी गाड़ी के अंदर ही मैंने फोन किया, 3 डॉक्टर घर पर आ गए। तो मैं जब घर पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा ये मलेरिया है। अच्छा मलेरिया की दवाई थी वो आरसीवा, मैंने उसको पढ़ा थोड़ी तहकीक, तबीयत है थोड़ी तहकीक की, तो पता चला ये मिठ्ठों से बनी, मिठ्ठों से आवश्यक निकालकर। मैंने कहा यार मिठी खा ली मतलब, तो उस दौर से अल्हम्दुलिल्लाह जब सीजन आता है तो मीठे का इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह बुखार नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, टैंकि भी होगा बुखार भी नहीं होगा। कि मीठे का इस्तेमाल जिसने नहीं किया उसने अपने साथ जाती की, आपके दिल के शरियाने भी साफ करेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए A1 के विटामिन सी इसके अंदर है, बहुत कुछ है जो आपकी जरूरत के लिए है। लेकिन आप ये नहीं, वो लाल रंग की बोतल है ना एनर्जी ड्रिंक की, ये ना मैंने डॉक्टर से पूछा था मैं पीऊँ एनर्जी ड्रिंक, मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी मेमोरी चली जाएगी, 12-15 साल पहले मेमोरी चली जाएगी, इस साल में हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ लेकिन जो कैमरे दूसरे लगे हुए हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, मैं आपसे मेरे मुझे आपसे मोहब्बत है, वल्लाह मेरे मुसलमान भाई है, नबी की उम्मती है, ना आका की मोहब्बत में सारी रात से बैठे हुए, मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भाई को ना जबान से तकलीफ हो, ना हाथ से तकलीफ हो, ना किसी किस्म की तकलीफात छुए, बिल्कुल एकदम किस्म के सॉलिड मुसलमान बने हूँ। और प्रैक्टिकली लाइफ, ना घर में झगड़ा हो, ना बीवी बच्चों का मसला हो, एजुकेशन हो, तालीम हो, सफाई सफाई हो, बेहतरीन सिस्टम हो। लेकिन एक रात में तो नहीं हो सकता, नहीं किसी से भी हो सकता है। मेरी दरख्वास्त है प्लीज़ दावत इस्लामी को ज्वाइन करें। दावत इस्लामी के पास 42 ईयर्स का तजर्बा है, दावत इस्लामी के पास 3 TV चैनल हैं, दावत इस्लामी के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ गिवन द परमिशन टू दावत इस्लामी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हमारे पास यूनिवर्सिटी प्रेस अपना है, दारुल मदीना यूनिवर्सिटी प्रेस किताबें हम खुद छाप के स्कूलों को देते हैं, दरस इस्लामी की किताबें लिख कर खुद मदरसों को दी हैं दावत इस्लामी ने। रिसर्च सेंटर हमारी जो स्पीचेज हैं ये उलमा लिखते हैं, ये उलमा की लिखी हुई बात मैंने आपसे बात की है। हमारे उलमा है 150-200 उलमा है जो सैलरी पर है, सारा दिन किताब खाने में बैठे रहते हैं, स्पीचेस लिखते रहते हैं, हमें भेजते रहते हैं, हम वो बयान आगे नई रिसर्च बयान करते हैं। तो दावत इस्लामी के साथ आप इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अखलाक बेहतर होगा, किरदार बेहतर होगा, बहुत बेहतर हो जाएंगे मुआशरे में, नशे से बचेंगे, जुए से बचेंगे, फजूल कामों से बचेंगे, पैसे ज़ाया करने से बचेंगे, और अल्लाह रसूल की मोहब्बत इंशाल्लाह दिल में बढ़ेगी। मैं अपने मेज़बानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन्वाइट किया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के बिल्कुल आखिरी पहर, बिल्कुल लास्ट में जो कीमती पहर है उसमें आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपने सुना। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनका भी शुक्रिया, ये भी मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है मुझे नहीं पता, अल्लाह के बारगाह में कौन करीब है, इधर वाला या उधर वाला ये मुझे नहीं पता, बहरहाल अल्लाह की बारगाह में वही ज्यादा करीब है जो तकवे वाला है, तुम में से ज्यादा तकवे वाला। तकवा कहते हैं अल्लाह से डरना, परहेज़गार, जो अल्लाह से ज्यादा करने वाला है वो ज्यादा अल्लाह के करीब है। अल्लाह हमें अपना खौफ अता फरमाए,
अपने नबी की मोहब्बत अता फरमाए। 12 रबीउल अव्वल है, 12वीं तक मिलाद अपने घर में भी करें, नया शरीक काम ना करें। म्यूजिक का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, म्यूजिक का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जेहन में रखिएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इतनी शानदार आवाज में ज़बूर पढ़ते थे कि हवा में परिंदे भी रुक जाते थे, अल्लाह ने आवाज इनका आवाज पहुंचा था, इतनी तिलावत ऐसे करते थे अल्लाह की किताब की, हवा में परिंदे रुक जाते थे, शैतान इनका मुकाबला करने के लिए टुन 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 इजाद किया कि वो टुन टुन करके लोगों को जमा करता था। इतनी शानदार आवाज, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये म्यूजिक ऐजाद हुआ। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ने के लिए भेजा गया, खत्म करने के लिए भेजा गया हूँ। मेरे नबी की हदीस वाज़ह तौर पर है, नहीं पढ़ी तो उसूल नहीं है कि मैंने पहले भी सुनी, उसूल सुनने ना सुनने वाले का, वरना इंशाल्लाह जुमे को तशरीफ लाइए, मैं आपको रवायत दिखाऊंगा, इसका सबूत दिखाऊंगा, किस किताब में, सारा कुछ इंशाल्लाह बताऊंगा। हालात मौसीकी को खत्म करने के लिए, तो लिहाजा कोई मौसीकी का काम नहीं करना, इसमें कोई ऐसा गैर शरी काम, नबी की विलादत शरीयत इस्लाम उसूल SOPs के मुताबिक करना, ठीक है जी। अगर आप स्पीच के बगैर, अगर समझाने वाले ना हो, ये जैसे मैंने बात की, समझाने वाले ना हो तो क्या होता है, कनाडा गए, कनाडा वो कहने लगे कि जी हम जो है जुमा ना वो इतवार को पढ़ते थे, जुमा कि हम यहाँ कनाडा आए, बस ये तो थी नहीं, उलमा थे नहीं, समझाने वाले नहीं थे, हम यहाँ टैक्सी चलाते थे, काम काज करते थे, हमने कहा यार जुमे की छुट्टी नहीं होती, जुमे को काम टैक्सी का ज्यादा, वो भी शरारत में होता है, जुमे को टैक्सी का काम ज्यादा होता है, तो ऐसा करते हैं कि घर के ऐसे जुमा इतवार में पढ़ना, उन्होंने सारे घर के मशवरा करके जुमा इतवार में शुरू कर दिए। जब उलमा नहीं होंगे तो समझाने वाला नहीं होगा, तो जो बंदी घर के जो मर्जी तय करना है, अब जायज़ है नाजायज़ है, हलाल है हराम है, इस्लाम का शियार ही बदल दिया कनाडा के मुसलमानों ने। अब अलहमदिल्ला भेज रहे हैं अहमदाबाद इस्लामी बंदगी भी भेज रहे हैं, टीवी चैनल भी आता है, मरकज भी खोल दिए, मेनोवर में भी, एनोवर में भी खोल दिए, तावा में भी खोल दिया, किधर क्या कहते हैं, सब जगह 8-10 मरकज हो गए कनाडा में दावत इस्लामी, कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करें, नॉलेज इन्वेस्टमेंट करें, फ्री नमाज कोर्स, फ्री बच्चों का कुरान हाफिज कुरान आदि में दी, जरूर आप मशवरा कीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बिलखसूस, मैं उनसे कहूँगा, उनके 2 टॉपिक्स हैं, नौकरी कहाँ करें, शादी कहाँ करें, नौकरी ठीक लग गई जिंदगी, शादी सही जगह हो गई तो इंशाल्लाह सुखी हो जाएगी। इस पर इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पर कोई स्पीच रख लेंगे, फिजाने मदीना जोहर टाउन में आप ही के लिए रख लेंगे। अगर आप मदीन मेडिकल टिप्स के लिए बात करें तो बैलेंस डाइट पर हमारे दावत इस्लामी के पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर ने PhD किया हुआ है, वो भी मेरे पास मौजूद है, वहाँ हमारी कंसल्टेंसी फॉर्म हमारे साथ शामिल है, बिल्कुल फ्री। जिस दिन आप कहेंगे जुमे की नमाज के बाद मैं आपका आधे घंटे का लेक्चर बैलेंस डाइट पर रख दूंगा। अगर आप सुकून सोना चाहते हैं तो नींद पर अगर आप कहें तो वो भी दावत इस्लामी के मरकज में बहुत सारे ऑफर्स दे रहा हूँ आपको, आप आइए तो सही, दावत इस्लामी के साथ सब कुछ फ्री है, कोई सियासत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। जज़ाकअल्लाह खैरा, हमारे मेज़बानों का शुक्रिया, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी की सुन्नतों का पाबंद बनाए। अच्छा, 12वीं शरीफ रात में आप बाबा ग्राउंड सेक्रेटरीट के करीब दावत इस्लामी का अजीम शान इज्तिमा होगा, जोरदार इज्तिमा होगा, आप रात गुजारिए, और इंशाल्लाह जुलूस मिलाद भी होगा वो है रेलवे स्टेशन से दादा साहब रहमतुल्लाह जुमे की नमाज के बाद। तो ये तकरीबन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 1.5 घंटे का है, आइए इस पर शिरकत कीजिए, अल्लाह पाक हम लोगों की तौफीक।